हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है SBSE बाय आसिफ में। और आप सबके लिए लेके आए हैं चिलर इन्फॉर्मेशन की एक वीडियो, जिसके अंदर आपको वाटर चिलर वर्किंग प्रोसेस का पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या रेफ्रिजरेशन साइकिल है, किस तरीके से काम करता है। इससे पहले आप ये देखिए, चिलर की दो तीन फ़ोटोज़ हैं, ठीक है। ये वाटर कूल चिलर है, तो ये प्लांट फिटिंग हो रहा था, तो उसकी फ़ोटोज़ है आपके सामने है, ठीक है। तो आप सबके सामने मैं बता रहा हूँ चिलर, वाटर चिलर जो है किस तरीके से काम करता है। इसके अंदर एक चिल्ड वाटर टैंक होती है, ठीक है, जिसके अंदर चिल्ड वाटर जो है हमारा इकट्ठा होता है, और इसके अंदर जो है चिल्ड वाटर से फिर हमारे कूलिंग प्रोवाइड की जाती है। तो एक लाइन है इसके अंदर, सप्लाई लाइन होती है चिल्ड वाटर की, तो उससे चिल्ड वाटर जो है चिलर के अंदर इकट्ठा होता है, ठीक है। और फिर वहाँ पे ड्रेन के लिए भी एक लाइन दी हुई है, तो वहाँ से वो ड्रेन भी किया जा सकता है। और उसके बाद जो है हमारा चिल्ड वाटर उसमें इकट्ठा होता है, तो चिल्ड वाटर जो है इवेपोरेटर में जो हमारा चिल्ड होता है ना वाटर, वो आके चिल्ड वाटर टैंक में इकट्ठा होता है, फिर वहाँ से वो कूलिंग के लिए AHU में, बिल्डिंग में, सब जगह चला जाता है। तो यहाँ पे एक पंप लगा हुआ है, इसके अंदर देख रहे हैं आप इवेपोरेटर, ये शैल एंड ट्यूब टाइप इवेपोरेटर होता है चिलर के अंदर, जो वाटर कूल चिलर होते हैं। इसके अंदर वाटर जो है चिल्ड होता है, ठीक है, रेफ्रिजरेंट के माध्यम से। और दूसरा हमारा सिस्टम क्या होता है, ये पूरा रेफ्रिजरेशन साइकिल बेस्ड है। तो यहाँ पे ये वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल है, ठीक है, इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। ये वीडियो देख रहे हो आप, ये है वाटर कूल, है ना, साइलेंट ट्यूब टाइप चिलर की उसकी वीडियो थी। और अब आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्या क्या होता है इसके अंदर, देखो दोस्तों, इसके अंदर कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है, एक्सपेंशन डिवाइस होता है, इवेपोरेटर होता है। इसमें चार कंपोनेंट्स होते हैं जो चारों है रेफ्रिजरेशन साइकिल पे काम करते हैं। ये रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करते हैं बाय हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे, कंप्रेसर जो है कंप्रेस करता है, और उसके बाद वो कंडेंसर में जाता है, ठीक है। कंडेंसर जो है वो रेफ्रिजरेंट का स्टेट चेंज कर देता है, उसको लिक्विड में कर देता है, फिर वहाँ से वो एक्सपेंशन डिवाइस में जाता है, है ना। उससे पहले मैं कंडेंसर के तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एयर कूल्ड, ठीक है, वाटर कूल्ड हो गए, है ना, और भी होते हैं, एक टाइप्स और होता है, और आपका हो गया। फिर यहाँ से जो एक्सपेंशन डिवाइस में जो इसका रेफ्रिजरेंट जो आता है कंडेंसर से, तो उसके एक्सपेंशन डिवाइस में बहुत ही ओरिफेस उसका कम होता है, इसलिए वहाँ से जो रेफ्रिजरेंट निकलता है वो प्रेशर में निकलता है फवारे में, तो वहाँ से जो है कूलिंग प्रोड्यूस होने लगती है। फिर वहाँ से लाइन के माध्यम से वो इवेपोरेटर के अंदर जाता है, इवेपोरेटर जो है साइलेंट ट्यूब टाइप, उसके अंदर जो है कूलिंग क्रिएट होती है। तो कूलिंग जो उसके अंदर वाटर पहले से होता है, तो जो रेफ्रिजरेंट ठंडा हो जाता है वहाँ पे, तो वो वाटर को अपनी हीट प्रोड्यूस कर देता है, यानी कि वाटर ठंडा हो जाता है, और वाटर जो है ठंडा होने के बाद वो चिल्ड वाटर टैंक में इकट्ठा हो जाता है, और उसके बाद वहाँ से रेफ्रिजरेंट जो होता है वापस कंप्रेसर में आ जाता है, ठीक है। तो ये साइकिल चलती रहती है, पहले कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस, फिर इवेपोरेटर, और उसके बाद जो हमारा चिल्ड वाटर इकट्ठा हो होता है वो हमारा मोल्ड में जाता है, मोल्ड से हमारे कि मतलब बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, पंप के द्वारा AHU के अंदर जाएगा, FCU के अंदर जाएगा, CSU के अंदर जाएगा, पूरी बिल्डिंग में ट्रांसफ़र होते रहता है। तो इसके अंदर जो हमारी कूलिंग प्रोड्यूस होती रहती है, ये पूरा जो सिस्टम है ये वेपर कंप्रेशन चिलर है ना, उस पर काम करता है, वेपर को कंप्रेस करता है। और फ्रेंड्स, हमारे जो चिलर में जो चिल्ड वाटर टैंक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सारे इंसुलेटेड होते हैं, ठीक है, कि हीट लॉस बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ठीक है। हीट लॉस की वजह से मॉइस्चर क्रिएट होता है, इससे बहुत सारे हमारे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। बाकी आप चिलर के वर्किंग प्रोसेस के बारे में अच्छे से जानिए, समझिए, ठीक है, इससे आपको आगे नॉलेज मिलेगी। और जो हमारा ये चिल्ड वाटर जो टैंक होता है ना, इसके अंदर हमारा फ्लोट वाल लगा होता है, ठीक है, ड्रेन क्लीन की लाइन होती है, ठीक है, मतलब ड्रेन क्लीन की लाइन वो होती है जब चिल्ड वाटर में हमें अंदर मतलब क्लीनिंग करनी हो टैंक में, जब हमें क्लीनिंग करनी हो, तो वहाँ से पंप प्लांट को बंद करके उसके बाद पूरा पानी ड्रेन कर दो, उसके बाद उसके अंदर क्लीनिंग करनी है तो कर सकते हो। इवेपोरेटर हो गया इसका,
और इसका जो कंडेंसर होता है उसकी भी हम डिस्केलिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हो गया। अब इसमें जो पंप लगे होते हैं फ्रेंड्स, जो इवेपोरेटर में प्राइमरी इवेपोरेटर में लगा होता है एक पंप। ठीक है, इवेपोरेटर से पानी जो हमारा चिल्ड वाटर में पहुँचाए और फिर वहाँ पे से चिल्ड टैंक टैंक से हमारा पहुँचाए बिल्डिंग तक। ये एक हमारा फॉर्मेट देख सकते हैं। ठीक है, इसमें एच यू है, रूम है, एक्सपेंशन डिवाइस है, कंडेंसर है।